ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपके पास भी जीमेल अकाउंट है और चाहे वो जीमेल अकाउंट आप पर्सनली यूज़ करते हो, चाहे वो यूट्यूब के लिए यूज़ करते हो, एक्स वाई जेड आप किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता अगर नहीं होगा दोस्तों कि आखिर में जीमेल अकाउंट हैक होने का सबसे मेन वजह क्या होती है। देखो बहुत सारे लोग तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी के बहकावे में, किसी के झांसे में आ जाते हैं और जिसके बाद वो क्या करते हैं, अपने जीमेल की आईडी और पासवर्ड उनके साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद में देखो ये केस तो हुआ अलग कि आपने जानबूझ के या जैसे भी है किसी भी तरीके से आपने अपनी आईडी पासवर्ड उनके साथ शेयर कर दिया, उस केस में तो डेफिनेटली आपका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे तो आपने खुद अपनी आईडी पासवर्ड शेयर किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई एक यूट्यूबर है और उसके पास कुछ समस्या है तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे जैसे मिल जाए, तो उस केस में क्या होता है, सामने वाला बोलता है ठीक है यार अपनी आईडी पासवर्ड शेयर करो और मैं जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक पर्सनल सजेशन दोस्तों यही देना चाहता हूँ, जब तक आप ये ना विश्वास कर लें कि सामने वाला इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाह रहे हैं, वो वही इंसान है या कोई दूसरा है। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं फेक आईडी बना के जो है एक्स वाई जेड वो आईडी पासवर्ड मांग के अपना सारा काम धाम वो कर लेते हैं। तो पहले आपको किसी को भी अपनी आईडी पासवर्ड शेयर करने से पहले आप उसको पहले कंफर्म कर लो कि जिससे भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो क्या वो इंसान वही सामने है या कोई और बात कर रहा है आपसे। तो उसका तरीका ये कि भैया तो इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो कॉल लो या तो सामने वाले से भाई व्हाट्सअप नंबर लो, उससे डायरेक्ट वीडियो कॉल में बात करो ताकि आप कन्फर्म हो जाओ कि वही इंसान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करो दोस्तों कि ये तो हुआ कि ठीक है आपने जानबूझ के या अपने आईडी पासवर्ड शेयर कर दी तो वो आपका तो चैनल गया या आपका आईडी पासवर्ड गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर दोस्तों आता है वो आप खुद करते हो, वहां पर भी आप खुद करते हो और यहाँ पर भी आप खुद करते हो। अब इस केस में क्या होता है कि आपको पता है जब शायद ही आपने देखा हो या नोटिस किया हो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जीमेल के ऊपर, अगर उन्होंने लैपटॉप या डेस्कटॉप एक्स वाई जेड कहीं पे भी या मोबाइल के ऊपर भी, जैसे उन्होंने लॉगिन किया अपनी आईडी पासवर्ड डाला, तो आईडी पासवर्ड डालते ही, आईडी डालने के बाद पासवर्ड डालते ही एक मैसेज आता है ऊपर पॉपअप में आता है क्रोम के ऊपर या मोज़िला के ऊपर, जिस भी ब्राउजर पे आप रहोगे वहाँ पे एक मैसेज आता है कि सेव योर पासवर्ड। तो यहाँ पे आता है एक कैंसिल और एक आता है नेवर या एक्स वाई जेड ऐसा कुछ आता है, कैंसिल या ओके कुछ ऐसे आता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, कहते हैं सेव कर देते हैं, यस कर देते हैं, यानी वो अलर्ट वो पढ़ते भी नहीं है, वो डायलॉग बॉक्स पढ़ते भी नहीं कि आखिर में वो मैसेज में क्या दे रहा है। वो मैसेज में ये दे रहा है कि आपका जो आईडी पासवर्ड वो सेव कर लिया जाएगा इस ब्राउजर के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि क्या आपकी ऐसा तो नहीं है यार कि आपकी सारी मेल आईडीज के पासवर्ड आपके सेव हैं ब्राउजर के ऊपर, और अगर ब्राउजर के ऊपर सेव है तो आपको हो जाएगा नुकसान। तो उससे कैसे बचना है, किस तरीके से आपको अपने ब्राउजर के ऊपर जो भी आईडी पासवर्ड या जो भी आपने क्रोम के ऊपर अपने आईडी पासवर्ड लॉगिन किए वो सेव तो नहीं है, तो कैसे चेक करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, सब कुछ पूरी डिटेल बताऊंगा, कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे मेन कारण बनता है यही आपके आईडी पासवर्ड का हैक होने का। तो इस तरीके से दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको उसको चेक करना है और किस तरीके उसको रिमूव करना, सब कुछ पूरी डिटेल। तो चलते हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सब कुछ ध्यान से समझना है कि आखिर में कैसे आपका जो भी आपका जीमेल अकाउंट होता है वो किस तरीके से हैक होता है, क्या वजह होती है, कहाँ पे आपका पासवर्ड सेव होता है, ये सारी चीज़ें आपको आज यहाँ पर पता चलेंगी। तो फ्रेंड इसके लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है यहाँ पर तीन डॉट का, इस तरीके से आपको इस तीन डॉट पर क्लिक करना, फिर से अगेन आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, देखेंगे आपके पास में सेटिंग, तो आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों आपके पास में यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जो कि आपको नीचे ही दिखाई देगा, वो रहा ये देखिए पासवर्ड, और यहाँ पे लिखा है ऑटोफिल। तो अगर आपको ये ना दिखाई दे तो उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे, तो जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है इसी के ऊपर ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है पासवर्ड के ऊपर, जैसे ही पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके पास में पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है आपको यहां से, जो कि ये मिलता है यहां पे देखिए सेव पासवर्ड, ये रहा इस तरीके से। तो अगर आपका कोई भी पासवर्ड सेव होगा यहां पे तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि आपका पासवर्ड सेव है और कौन से पासवर्ड है, वो सब चीज़ें आपको यहां पे सेव दिख जाएंगी। अब फ्रेंड्स मैंने यहां पर जो है इसको यहां पे मैंने कोई भी ऑटो साइन इन नहीं ऑन किया है किसी तरीके की, ताकि मेरा कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेव रहे, सेव पड़ा रहे,
तो अब भी यहाँ पे जाके चेक करें कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पासवर्ड यहाँ सेव पड़ा है, ताकि उसको आप आसानी से वहाँ से रिमूव कर दें अगर ऐसा कुछ है तो। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास में ऑप्शन भी मिलता है यहाँ से कि ऑटो साइन इन, ये देखिए यहाँ पे इसको ऑफ रखना, आपको यहाँ पे कभी भी आपको ऐसे इनेबल नहीं रखना है, इसको आप ऑफ कर दें क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मान के लिए आपने लैपटॉप में लॉगिन कर रखा और आपने इसको ऑन कर रखा, कोई भी आएगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब ऑटो साइन इन का मतलब ऑटोमेटिकली डायरेक्टली उसको ऊपर क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएगा। तो आपको इसको ऑफ करके रखिए ताकि कोई भी आपके अलावा और इसको यूज़ ना कर पाए। तो फ्रेंड बाकी यहाँ पे है ऑफर टू सेव पासवर्ड, ये चीज़ जो है इसको भी आपको यहाँ पे ऑफ करके रखना है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपको ऑफ करके रखना है। और अगर आपके पास में इस जगह पर अगर आपके पास में पासवर्ड आपका दिख रहा है, इसका मतलब आपको रिमूव करना है, उसको रिमूव कर दें ताकि आपका किसी भी तरीके से आपको कोई भी समस्या ना आए, ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट हैक हो जाए फिर उसके बाद आप बोलो कि यार ये कहाँ से हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ध्यान रखने ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो। अभी फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं कैसे आपको अपने पासवर्ड को चेक करना है। और मैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ मेरा कोई भी पासवर्ड इसलिए नहीं है बिकॉज मैं कभी भी अपने पासवर्ड को सेव नहीं करता हूँ। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि यू कैन सेव योर पासवर्ड, तो आप उसको कभी भी नहीं करना उसको सेव, वरना सारा पासवर्ड आपका यहीं पर ही आ जाएगा। अगर इनकेस हो भी गया तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। ओके आईओ की फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसानी से जो है आपने जो है इसको आप क्रोम के ऊपर जाके आपने इसको सारा सेटअप किया, सारी चीज़ें देखा कैसे आपका यहाँ पर आईडी पासवर्ड है या नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये सारी चीज़ें आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों के ऊपर भी कर सकते हैं। दोस्तों बताएं कमेंट बॉक्स में आप अपने मन की बात, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन है, क्या आपने भी ऐसा सेव कर रखा, अगर ऐसा कर रखा तो उसको रिमूव कर दें। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी, वहाँ पर जाकर उसको आप फॉलो करें और डायरेक्ट मुझे आप डीएम करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। और बस फिलहाल के दोस्तों इतने ही, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।